दुनिया की अग्रणी नई ऊर्जा वाहन निर्माता कंपनी बीवीआईडी ने आज गुरुग्राम में अपने पहले पैसेंजर व्हीकल शोरूम और भारत के 11वें आउटलेट का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में स्थित शोरूम का प्रबंधन क्रिस्टियन बीवीआईडी द्वारा किया गया। शोरूम का उद्घाटन सोमिल निजवान, प्रेसिडेंट ऑफ सीईओ क्रिस्टियन बीवीआईडी, संजय गोपाल कृष्ण, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस बीवीआईडी इंडिया ने बीवीआईडी इंडिया और क्रिस्टियन बीवीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों का उपस्थित में किया गया। क्रिस्टियन बीवीआईडी गुरुग्राम में अपने उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ बीवीआईडी वाहनों तक पहुंच प्रदान करेगा। मोबाइल में उद्योग काफी अनुभव के साथ क्रिस्टियन बीवीआईडी के आसपास के क्षेत्रों में अपने व्यवसाय के साथ व्यापक पहुंचे हैं। 202 वर्ग फुट में फैले इस किसी भी समय लगभग 100 ईवी चार्ज के प्रावधान के साथ साथ अल्ट्रा मॉडर्न सेटअप से लैस शोरूम में ग्राहकों को सर्विस स्टोर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन, सर्विस उपकरण, सर्विस बे, एक ग्राहक लॉन्च शोरूम डिस्प्ले फ्लोर है। बीवीआईडी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय गोपाल कृष्ण ने कहा कि भारत की पहली स्पोर्ट बॉर्न ईसीवी हमारी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी बीवीआईडी एटो 3 के लॉन्च की घोषणा के बाद गुरुग्राम में हमारे 11वें शोरूम की घोषणा करते हुए हमें रोमांचित है। दिल्ली और जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे आने के साथ ग्रीन इनिशिएटिव में से एक हम गुरुग्राम में अपनी ईवी डीलरशिप जोड़कर और यहां के ग्राहक की सेवा करके इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। सोच के आपने गुड़गांव में शोरूम खोलने का सबसे पहले बताया सर? एक्चुअली गुड़गांव आप देखेंगे तो नॉर्मली पैसेंजर व्हीकल के लिए टॉप 10 मार्केट्स में माना जाता है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फास्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन भी। अभी नया पॉलिसी आ गया है हरियाणा में ईवी पॉलिसी, तो इसलिए कस्टमर्स को बेनिफिट्स भी मिल रहा है ईवी में। तो इसलिए गुड़गांव ऑलरेडी हमारा प्लान नेटवर्क प्लान में था गुड़गांव का शोरूम खोलने का, क्योंकि गुड़गांव जैसे हर ओईएम जो है गुड़गांव में सब शोरूम खोलता ही है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि गुड़गांव के आसपास भी लोकेलिटीज है प्लस गुड़गांव में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है, बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं, तो वो लोग सब नए व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आजकल अडॉप्शन बढ़ गया है। सो इसलिए हमने गुड़गांव में हमने बीवाईडी का कस्टमर ऑफिसर कितने शोरूम आपके भी चल रहे हैं? अभी हमने करीब 15 शोरूम्स खोल लिया है, 15 शोरूम्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग करीब 24 शोरूम खोलेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड 2023 एंड दिसंबर तक हम लोग करीब 50 शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया होंगे। डिफरेंट है कि हम लोग ग्लोबली हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, हम कोई आईसी इंजन व्हीकल नहीं बनाते हैं, बाकी सब लोग आईसी इंजन में फोकस करते हैं। हम लोग सिर्फ हम और टेस्ला जो दो कंपनियां हैं हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में फोकस करते हैं ग्लोबली, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो। हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में खासियत है हम लोग ये बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें कोई आईसी इंजन का कोई मतलब आईसी इंजन कन्वर्टेड नहीं है, ये बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये बॉर्न ईएसयूवी है। हमारा खुद का बैटरी है जो ब्लेड बैटरी बोलते हैं टेक्नोलॉजी, हमारा खुद का मोटर है, हमारा खुद का सेमीकंडक्टर है, हमारा खुद का चिप्स है, हम सब कुछ इंटरनली हम बीवाईडी बनाते हैं। जो ई प्लेटफॉर्म जो है, जो नया ई प्लेटफॉर्म 3 है, हम लोग ई प्लेटफॉर्म 1 से शुरू किए थे, अभी ई प्लेटफॉर्म का 3rd जनरेशन है, उसमें हम सारे नए गाड़ियां बना रहे हैं। ई प्लेटफॉर्म 3 में खासियत यह है कि उसका जो ओवरऑल वेट है बैटरी का और उसका वो हम कम कर दिया है, उसका ओवरऑल वॉल्यूम कम कर दिया, इससे इसकी वजह से एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस ब्लेड बैटरी से सबसे बड़ा रेंज हम खींच सकते हैं, इसका रेंज जो टेस्ट ARI का टेस्टेड रेंज है जो एटो 3 का वो जो है 521 किलोमीटर है। तो टोटली गाड़ी जो पार्ट्स यूज है वो भी आपकी कंपनी के ही है? मेरे हमारा कंपनी के ही है सब, अदर कोई कंपनी पार्ट यूज नहीं है? नहीं, हम लोग बैटरी, हमारा एडवांटेज है कि हम बैटरी भी सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रिक मोटर जो गाड़ी के लिए चाहिए ईवी के लिए सब कुछ हम खुद बैटरी टेम्परेचर बैटरी टेम्परेचर 30-60 डिग्री में चलता है, फायर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हम लोग ओवर चार्जिंग भी करेंगे उसका कोई असर नहीं होता है, उसमें भी 30-60 डिग्री होता है। इसका खासियत है कि ब्लेक बैटरी की, जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि आप 4 बार एसी चार्जिंग कीजिए तो 1 बार डीसी चार्जिंग कीजिए, लेकिन हमारा बैटरी में ऐसे कुछ नहीं करना है, हमारा बैलेंस बिगड़ता नहीं है, आप हमेशा एसी चार्जिंग कर सकते हैं, हमेशा डीसी चार्जिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो गाड़ी आई है खुद आपके पर्सनल अपने कंपनी यूज करते हैं तो उसमें क्या फीचर्स हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए क्या रखे हैं? हाँ जी, इसमें इसमें ADAS Level 2 का डी पायलट सिस्टम है,
जिसमें आपको पूरा सेफ्टी फीचर्स मिलेगा, करीब 17-18 सेफ्टी फीचर्स है, जो लेन असिस्ट, लेन कीपिंग, 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स सेंसर, उसमें सब कुछ है। उसके अलावा 7 एयरबैग दिया हुआ है इसमें। उसके अलावा हम लोग इसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स भी है, और सबसे खास चीज़ हमें लास्ट वीक हमें यूरो एनकैप 5-स्टार रेटिंग मिला है इस गाड़ी के लिए, तो वो भी हमारा है। और बैटरी जो है सबसे सेफेस्ट, जो IP67 यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से टेस्टेड है। इसमें नेम पेनिट्रेशन टेस्ट जो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट होता है वो भी ये पास किया हुआ है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ, और इसके अलावा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ई प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर और चेसिस है, वो भी बहुत मजबूत है, इसलिए पूरा सेफेस्ट कार है ईवी में। ईवी गाड़ी तो आपकी ऑटोमेटिक होगी या फिर ड्राइवर होगी? नहीं, हमारा ऑटोमेटिक ही होता है, ईवी में सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है, कोई मैनुअल होता है। सर, सबसे बड़ा गाड़ी में इशू ये आता है, दोनों जो गाड़ी पेट्रोल डीजल यूज करें, कहीं ना कहीं मैकेनिक को, कहीं गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक को ठीक करवा देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में या शोरूम में ही गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो जाए, तो उसको लेकर क्या दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर आती है। उसको लेके इसलिए हम लोग RSA के साथ टाई अप कर लिया है, तो रोड साइड असिस्टेंस के साथ, जो गाड़ी जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है नॉर्मली, उसके लिए RSA अपना चार्जिंग भी लेके जाएगा, और कुछ फॉल्ट डिटेक्ट करना है उनके पास सॉफ्टवेयर टूल होता है, वो डिटेक्ट करता है, और भी कोई खराबी होगा तो नियरेस्ट डीलरशिप पे खुद लेके आएंगे। और जी आपको गलती, जैसे रास्ते में गाड़ी लोग पे जा रही, गाड़ी खराब हो जाती है, काफी रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी कोई चीज नहीं व्हीकल्स ठीक करने का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी इशू होता है, नॉर्मल जो व्हीकल्स हमारे होते हैं उनको किसी भी मैकेनिक को देकर ठीक करा सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक में व्हीकल्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक बंदे पर ही सीखे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ठीक कर सकते हैं उसको दिखा सकते हैं, तो इसको लेकर क्या हम लोग इसलिए सारे जगह पर डीलरशिप बना रहे हैं, वर्कशॉप बना रहे हैं, हम लोग खुद ट्रेन कर रहे हैं और वो लोग खुद जाके करेंगे। ऐसे हम लोग ये जो न्यू E6 हमने पिछले 6 महीने में लॉन्च किया हुआ है, ये व्हीकल करीब हर फ्लीट ऑपरेटर ने करीब 30,000-40,000 किलोमीटर चल चुका है, अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। बैटरी ना बैटरी बंद हुआ है, ना व्हीकल बंद हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सर, चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ का था? चार्जिंग स्टेशन अभी तो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जगह लग रहे हैं, मतलब सभी लोग, हम लोग भी टाइप किया हुआ है तो वो लोग भी लगा रहे हैं सब जगह। उसके अलावा हम लोग गाड़ी के साथ होम चार्जिंग स्मॉल 7.7 और 3.3 पोर्टेबल चार्जर भी गाड़ी के साथ दे रहे हैं, तो हम लोग भी अभी सारे डीलरशिप्स और वर्कशॉप में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, जो भी कस्टमर आएगा BYD या नॉन BYD वो भी आके चार्ज कर सकते हैं, तो सारे डीलरशिप्स पे हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट चार्जर लग जाएगा सारे डीलरशिप पे। तो कितना चार्ज होने पर कितने किलोमीटर गाड़ी चलेंगे? ये हमारा रेंज जो है, सर्टिफाइड रेंज जो है 521 किलोमीटर है, और ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में 480-490, और इसका हमारा जो एटो 3 का खासियत है, आपको 5 मिनट में 150 किलोमीटर तक चार्ज हो जाएगा। सारे हम लोग टाइप ऑलरेडी ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा सबसे टाइप हो चुका है, ऑलरेडी फाइनेंसिंग हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ऑलरेडी हमारे E6 जो बेच रहे हैं फाइनेंसिंग के थ्रू बेच रहे हैं, कैश के थ्रू भी बेच रहे हैं, और हम लोग सारे टाइप हो चुका है। तो लोगों की डिमांड कितनी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर? डिमांड हमारा अभी देखिए, इंडिया में करीब 2% पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हमारा ये अनुमान है कि 2030 तक ऑलमोस्ट 30% पेनिट्रेशन हो जाएगा पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में, फोर व्हीलर में। और हम लोग सबसे बड़ा कंपनी है ग्लोबली, तो हमारा भी ये है कि हम लोग इंडिया में टॉप पोजीशन पे आ जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो नेक्स्ट क्या प्लानिंग है करीब 15,000 गाड़ी बेचने का, दोनों गाड़ी मिला के। हम लोग चेन्नई में हमारा असेंबली प्लांट है, हम लोग वहाँ पे असेंबल करेंगे। तो गुड़गांव में शोरूम व्हीकल लॉन्च किया है, तो गुड़गांव वास्तव क्या मैसेज है आपका? गुड़गांव में यही है कि जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही है, पोल्यूशन कम करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि उससे हम आपका ये कार्बन एमिशंस कम होती है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा गाड़ियाँ बहुत सेफ है, बैटरी के लेके या बैटरी का रेंज को लेके या ओवरऑल व्हीकल को लेके बहुत सेफ व्हीकल है। और आप एक बार आके शोरूम में आके देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसके बाद आपको असली फील आएगा BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। आपका नाम और डेस्टिनेशन है? मेरा नाम है मिस्टर संजय गोपाल देशनर, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।